लेकिन भगवान महादेव जी के त्रिनेत्र से निकले अग्नि भस्म को अपने आप में नहीं समा सकता था, इसलिए भगवान महादेव जी ने उस अग्नि भस्म को सीधे समुद्र में फेंक दिया और उस अग्नि गोले से एक शिशु का जन्म हुआ जो कि जालंधर के नाम से जाना गया।